नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हमारे पास ये सर्विसिंग के लिए आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। दोस्तों एक दो वीडियो मैंने इसकी पहले भी आप लोगों के लिए बना के अपलोड की हैं अपने चैनल पे। बिल्कुल इसका बेसिक वर्किंग क्या है, मेम्ब्रेन कैसे काम करती है, और एक दो वीडियो शायद इसकी रिपेयरिंग के भी मैंने बनाई है, जिससे हम इसके जो है अलग अलग स्टेज को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है उनको रेक्टिफाई करने का भी शायद वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों आज प्रॉब्लम क्या है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको रेक्टिफाई करें वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, कि कम से कम स्टेप में आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे किस स्टेज पे प्रॉब्लम है। दोस्तों अभी ये आरओ ऑन है, आपको इसकी जो बूस्टर है, पंप है, उसकी आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। अभी ये ऑन कंडीशन में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो है आपका यहाँ पे ये टैंक में पानी जाता है, साफ पानी टैंक में जाता है, ये इसका साफ पानी का पॉइंट है, लेकिन दोस्तों इसमें पानी नहीं आ रहा है, साफ पानी बिल्कुल भी यहाँ पे निकल नहीं रहा है, जबकि आरओ हमारा ऑन है। तो मैं स्टेप बताऊंगा आपको जल्दी जल्दी हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, तीन से चार स्टेप में, कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। मुझे प्रॉब्लम पता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये स्टेप्स पता लगे कैसे हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं इसको वापस लगा देता हूँ, अभी बूंद बूंद करके पानी इसमें आता है, साफ पानी यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा ये इनलेट होता है दोस्तों, जहाँ पे हमारा इसके अंदर पानी इन आता है, इसको निकाल के आप चेक करें, अंदर की तरफ इसको प्रेस करें, ये देखिए दोस्तों जो अंदर से इसको पानी इनलेट जो होता है वो बिल्कुल सही प्रेशर से यहाँ पे मिल रहा है। इसको हम वापस लगा देते हैं, यानी कि इसको पानी की सप्लाई जो है, पानी का जो प्रेशर है वो ठीक है, आपको पता लगेगा आपके एक्सपीरियंस से। ये पानी का प्रेशर हम यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट दोस्तों हम ये कार्बन सेडिमेंट या जो मेम्ब्रेन है इन सबके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो बूस्टर पंप है जो कि मेम्ब्रेन को सप्लाई करता है प्रेशर के साथ में, उस बूस्टर पंप की जो आउट है, जो मेम्ब्रेन को एज ए इनपुट मिलती है, एक तरफ एक होता है पॉइंट इसका, दूसरी तरफ आपके मेम्ब्रेन के दो पॉइंट होते हैं, तो जिस तरफ एक होता है वो इनपुट होती है बूस्टर पंप से, वो आपको प्रेशर से पानी जो है इसके इनपुट पे जाता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बूस्टर पंप की जो आउटपुट है जो कि मेम्ब्रेन को जाती है, उसको निकाल के चेक करेंगे, बिल्कुल बूंद बूंद करके इसमें भी निकल रहा है दोस्तों, कोई प्रेशर इसमें नहीं है। अब हो सकता है कि पंप का प्रेशर वीक हो, पंप का प्रेशर खराब हो, लेकिन इसको भी हम पता कैसे करेंगे, इसको लगा देता हूं वापिस, क्योंकि पंप जो है अपनी प्रेशर से पानी बाहर नहीं निकाल रहा है, इसको मैंने लगा दिया वापिस। अब हम ये चेक करेंगे कि पंप को पानी की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है क्या, वो हम चेक करेंगे। तो पंप की सप्लाई मिलती है आपकी, आप चेक करेंगे, ये पंप की आउटपुट है तो दूसरी तरफ से इनपुट है, तो ये है पंप की इनपुट जो कि आपकी एसवी सोलेनाइड वाल्व जो होता है वो जो है आपका पंप को सप्लाई करता है। सोलेनाइड वाल्व बंद हो जाएगा तो पंप को सप्लाई नहीं मिलेगी और पंप आगे सप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे सोलेनाइड वाल्व के यहाँ पे चेक करेंगे, ये सोलेनाइड वाल्व का आउटपुट है, इधर से इन आएगी, इधर से आउटपुट निकलेगी, इसके ऊपर एरो का निशान होता है या फिर इसके ऊपर लिखा होता है कि इन और आउट, इसके ऊपर भी इधर इन है इधर आउट है, या एरो का निशान होगा तो भी आपको पता लगेगा ये आउट है। आउट की पॉइंट को आप निकाल लें, ये देखिए बिल्कुल बूंद बूंद करके यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि जो एसवी है सोलेनाइड वाल्व वो यहाँ पे पानी नहीं निकाल रही है। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि सोलेनाइड वाल्व को ही, एसवी को ही पानी की सप्लाई ना मिल रही हो, तो हम इनपुट पे भी चेक कर लेंगे। ये आपका चौथा स्टेप है, ये देखिए दोस्तों इनपुट पे पानी की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर है, देखिए इनपुट पे पानी सही आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये एसवी है, ये जो दोस्तों एसवी है ये आपके पानी को पास यहाँ पे नहीं कर रही है, एसवी जो है वो ऑपरेट नहीं हुई है। अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला और जो सिंपलेस्ट वे है कि हम एक बार एसवी को यहाँ पे बाईपास कर देंगे, कोई भी एल्बो लेके, जो टू साइड ओपन जो होती है एल्बो वो लेंगे और उसको हम जो है यहाँ पे बाईपास करके, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं अभी, ये मेरे पास देखिए एल्बो है, मैं क्या करूंगा दोस्तों ये देखिए
ये मैं एल्बो को यहां लगा देता हूं और अब जो है इसकी इनको निकालता हूं और यहां पे एल्बो ये मैंने बाईपास कर दिया, ये यहां पे मैंने जो एसवी थी उसको यहां पे बाईपास कर दिया है हमारा। अगर यहां पे सॉल्यूशन हो जाता है तो हम एसवी यहां पे चेंज कर देंगे, उसके बाद एसवी को कंप्लीट ओपन करेंगे, एसवी को समझने की भी कोशिश करेंगे। पहले अब देख लेते हैं कि हमारा जो है सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है, वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहां पे पानी आना स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारा जो एसवी थी वो यहां पे खराब थी। अब आपको पानी का टीडीएस सेट अगर करना है दोस्तों, यहां पे ज्यादा पानी आ रहा है तो उसके लिए ये टीडीएस एडजस्टर होता है यहां पे, इसको जैसे जैसे हम टाइट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो टीडीएस है वो यहां पे कम होता जाएगा। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं वो आप टीडीएस मीटर से चेक कर सकते हैं। तो हमने यहां पे रेक्टिफाई कर लिया कि हमारी जो एसवी है वो खराब थी और अब हमारा यहां पे पानी प्रॉपर यहां पे आ रहा है दोस्तों। अब टीडीएस आप सेट कर सकते हैं टीडीएस एडजस्टर से, यानी कि अब हमारी प्रॉब्लम यहां पे रेक्टिफाई हो गई, हमें कंफर्म हो गया सिर्फ चार स्टेप में कि हमारी एसवी खराब थी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नई एसवी को हम यहां पे लगा देंगे और नई एसवी को लगा के इस पुरानी वाली एसवी को और एक नई एसवी को मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा कि एसवी जो है सोलनाइट वाल्व है वो काम कैसे करता है। यहां पे भी मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पे करके आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों जो पुराने वाली खराब एसवी थी वो हमने यहां पे निकाल दी है और एक दूसरी वर्किंग ओके जो आपकी एसवी थी फ्रेश एसवी थी वो हमने यहां पे असेंबल कर दी है, इसके अंदर माउंट कर दी है। ये साफ पानी की आउटलेट है और इधर से वेस्ट निकलता है, ये साफ पानी का है दोस्तों जो हमारे टैंक में जाता है। इसको मैं इस तरफ से फेस इसका कर देता हूं ताकि ये साइड में गिरे, अभी भी साफ पानी नहीं आ रहा है और ये ऑन कंडीशन में है, एसवी चेंज कर दी है। साफ पानी इसलिए नहीं आ रहा दोस्तों क्योंकि हमने जो एसवी है उसको 24 वोल्ट से कनेक्ट नहीं किया है। 24 वोल्ट से जैसे ही हम इस एसवी को कनेक्ट कर देंगे साफ पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे हमारा रिले काम करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट है रिले, ऐसे ही जैसे रिले हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है जो एसवी है सोलनाइट वाल्व है ये हमारे लिक्विड को पास करता है। अभी मैं इसको जैसे ही 24 वोल्ट से कनेक्ट करूंगा आपका यहां पे साफ पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। इधर देखिएगा आप, कुछ सेकंड लगेंगे, जैसे 24 वोल्ट कनेक्ट किया ये एक रिले की तरह ऑपरेट होने की आवाज यहां पे आई और आरओ के ऊपर एक जैसे दबाव पड़ता है उस तरीके से आरओ जो ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ सेकंड के अंदर जो है जो बूस्टर पंप है वो मेम्ब्रेन पे प्रेशराइज करके यहां से साफ पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मेम्ब्रेन के अंदर पानी जो है फिलअप हो जाए उसके बाद यहां से आना स्टार्ट होगा। देखिए ये साफ पानी आना स्टार्ट हो गया दोस्तों। और जैसे ही मैं इस 24 वोल्ट को डिस्कनेक्ट करूंगा जो इसके अंदर स्टोर पानी है वो निकलेगा और उसके बाद तुरंत ये यहां पे आपका साफ पानी आना बंद हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि एसवी जो है यहां पे बंद हो जाती है जैसे ही 24 वोल्ट को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। अब देखिए यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं 24 वोल्ट को डिस्कनेक्ट किया हुआ है और ये एसवी जो है यहां पे पानी नहीं निकाल रही है। अब मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूं दोबारा से एसवी की तरफ, आप देखें एसवी जो है साफ पानी निकालना स्टार्ट। देखिए जैसे ही 24 वोल्ट से कनेक्ट करता हूं एसवी से पानी आना स्टार्ट हो जाता है रिले की तरह, ये देखिए। यानी कि 24 वोल्ट कनेक्ट करते ही जो एसवी है ये काम करना स्टार्ट कर देती है और इनलेट से जो पानी है वो आपका आउटलेट पे इसके आउट पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद बूस्टर पंप उसको प्रेशराइज करके मेम्ब्रेन में डालता है। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, वीडियो पूरा जरूर देखें दोस्तों, काफी कुछ इसमें शायद सीखने को मिलेगा। ये मैंने 24 वोल्ट यहां पे कंप्लीट निकाल दिए दोस्तों और एसवी यहां पे काम नहीं कर रही है। अब मैं क्या करता हूं इसको यहां पे एक बार खोल ओपन कर देता हूं, एसवी को मैं खोल देता हूं यहां पे, इसका जो एनक्लोजर है हाउसिंग है ऊपर की, ये देखिए ये एसवी की कॉयल है और ये कॉयल के लिए 24 वोल्ट की सप्लाई है, इसको मैंने निकाल के यहां पे रख दिया है। अब मैं आप लोगों को सामने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं कि ये एसवी कैसे काम करता है, उसके बाद टेबल पे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों मेरे पास मैग्नेट है, जो हमारी चुंबक होती है सिंपल वो है, ये हमारी एसवी है। जैसे ही एसवी को मैं देखिए चुंबक से कनेक्ट करूंगा तो आपकी जो ये आपकी एसवी है ये काम करना स्टार्ट करेगी। देखिए टच भी नहीं करूंगा तब भी ये आपका यहां पे पानी निकालना स्टार्ट करेगी। देखिए मैं दूर रखता हूं इसको थोड़ा सा, ये देखिए पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। मैं फिर से करके दिखाता हूं आपको,
ये देखिए पानी निकलना शुरू हो गया, ये बंद हो गया वापिस से, और एक रिले की तरह ऑपरेट होने की भी आपको आवाज यहां पर सुनाई देगी। देखिए ये देखिए गैप है अभी इसमें मैग्नेट के अंदर और इसके, ये देखिए गैप है और पानी यहां पे आना स्टार्ट हो गया। देखिए अभी पानी वापस बंद हो गया, यानी कि दोस्तों ये जो आपकी एसवी है ये ठीक रिले की तरह ही काम करती है। ये देखिए मैं इस तरीके से दिखाता हूं आपको, ये गैप भी आपको दिखाई देगा, ये देखिए पानी आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों एसवी के हमने कनेक्शन कर दिया यहाँ पे और हमारा साफ पानी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं लगा देता हूँ टैंक में, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल जो टेप होती है, देखिए आ गया पानी, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल टेप है उससे या आपका कोई भी इंसुलेशन की जो भी आप यूज करना चाहें यहाँ पे ज्वाइंट के ऊपर वो यूज कर लें और इसको प्रॉपर तरीके से साफ करके सारे पानी को कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, या अगर आपका खुद का है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बड़े सिंपल तरीके से आज हमने इसको समझ लिया है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को जो हमारी टेबल होती है जहां पे हम टेस्टिंग करते हैं वहां पे लेके चलता हूं और एसवी के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां लेते हैं।